जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभायु में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी विंटर्स। अच्छी खासी सर्दी पड़नी स्टार्ट हो गई है और साथ ही में 90% बच्चों की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने ट्रिप विंटर वेकेशंस एंजॉय करने के लिए बना लिए होंगे। तो आज जो मेरी वीडियो है इसी टॉपिक से कुछ रिलेटेड है। कई बार क्या होता है, बाहर घूमने की खुशी में, एक्साइटमेंट में या जल्दबाजी में हम लोग कुछ सेफ्टी मेजर्स जिन पर हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए घर छोड़ने से पहले, वो हम अक्सर भूल जाते हैं। पता सबको होता है लेकिन जल्दबाजी में छूट जाता है। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही एम है, मैं आपको ये सारे सेफ्टी मेजर्स एक बार फिर से रिमाइंड कराऊं जिससे आप अपने घर को पीछे से ज्यादा सेफ और हैप्पी रख सकें। नंबर वन, किसी भी सोशल मीडिया पर आप अपडेट ना करें, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक पे आप कहाँ जा रहे हैं, अभी आप कहाँ हैं, आप कब लौटेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हमारे लिए है उतनी चोरों के लिए भी है। आजकल लोगों की लोकेशन हैक करके, ट्रेस करके चोरी की प्लानिंग कर लेते हैं और हमें अंदाजा भी नहीं होता जब तक हम घर वापस आएंगे पीछे से घर में क्या होने वाला है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप फेस किसी भी सोशल मीडिया पर अपडेट ना करें। आने के बाद आप जितनी मर्जी वीडियोस, पिक्स कुछ भी शेयर करें तो वो चलेगा, वो सेफ है, लेकिन आने के बाद जिस समय आप हैं बाहर उस समय वहां से कुछ भी अपडेट ना करें, सिर्फ कलेक्शन करते रहें। नंबर टू, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, स्पेशली गीजर, एसी, आजकल एसी भी 2 in 1 आ रहे हैं जो सर्दियों में हमारे हीटर का काम करते हैं, हीटर्स, आयरन, मोटर का प्लग, आप इन सब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को आपको चेक करके जाना है कि पीछे से ये गलती से जल्दबाजी में ऑन तो नहीं रह गए हैं। अगर गलती से ये ऑन रह गए तो पीछे कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके खराब तो होंगे होंगे, साथ में 99% इलेक्ट्रिकल शॉक या शॉर्ट सर्किट के चांसेस हो सकते, जिससे घर में फायर के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएं। जल्दबाजी में हम खुले छोड़ जाते हैं, पीछे से आते हैं तो देखते हैं घर में इतना सारा डैमेज हो चुका होता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। नंबर थ्री, मोटर का प्लग अच्छे से चेक करके जाएं, वो ऑफ होना चाहिए, साथ में ही टैप्स। कई बार क्या होता है, जाते समय हम टैप्स वगैरह जिनमें डायरेक्ट सप्लाई आती है वाटर की, वो हम ऑन कर जाते हैं और पीछे से जब मोटर चलती है तो घर में ओवरफ्लो पानी भर जाता है, जिससे हमारा जो सामान है वो तो डैमेज होगा ही होगा, कई बार इसमें अर्थिंग के चांसेस भी हो जाते हैं। पानी इतना ज्यादा हो जाता है घर में कि करंट आने के, उस पानी में सारा में करंट फ्लो के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो भी घर पहले लॉक अनलॉक करेगा उसको करंट के चांसेस बढ़ जाएंगे और जो साथ में हमारी बिल्डिंग में और रह रहे हैं या आसपास वाले रह रहे हैं उन्हें भी इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो टैप्स और मोटर का प्लग जरूर चेक करके जाएं, ये बिल्कुल भी ऑन ना रहे। नंबर फोर, गैस रेगुलेटर सबसे जरूरी चीज है दोस्तों, बिकॉज फायर का एक मेजर या ब्लास्ट का एक मेजर कॉज रेगुलेटर ऑन रहने का भी होता है। कई बार पीछे से चांसेस रहते हैं कि हमारा गैस लीकेज कर रहा होता है या हमें पता नहीं लगता है, तो अगर हम गैस रेगुलेटर ऑफ करके जाएंगे और आने के बाद हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन करते हैं या गैस ऑन करते हैं तो लीकेज के कारण जो ब्लास्ट होने वाला होता है वो हमारा बच जाता है और हम ज्यादा सेफ हो जाते हैं। तो गैस रेगुलेटर हमेशा ऑफ करके जाएं, उसे ऑन ना छोड़ें। नंबर फाइव, अगर किसी के घर में, घर ऊपर का फ्लैट है या पूरा घर ऊपर से नीचे तक अपना है, कहने का मतलब ये है कि छत अगर आपकी है तो प्लीज छत का डोर चेक करके जाएं, उसमें जरूर लॉक लगा के जाएं और उसको अच्छे से चेक कर लें कि लॉक प्रॉपर लगा है या नहीं लगा है। इसी तरह से आपको बालकनी भी लॉक करके जानी है, कई बार बालकनी का गेट या लॉक भी
खुला रह जाता है जिसमें से चोरों को घुसने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। तो आपको स्टेयर केस और बालकनी का प्रॉपर लॉक लगा के जाना है और चेक करके जाना है कि ये दोनों हमारे लॉक इनके खुले हुए नहीं है, है या नहीं है। अगर खुले हैं तो उन्हें जरूर, चाहे 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा लगेंगे ये सब चीजों में, लेकिन आपको ये सब कामों का जरूर ध्यान रख के जाना है। नंबर 6, आप अपने किसी भी वेल विशर को या अच्छे नेबरहुड को जरूर बता के जाएं कि आप जा रहे हैं। भले आप लोकेशन ना बताएं लेकिन आप जा रहे हैं तो पीछे से वो प्लीज टाइम टू टाइम एक बार आपके घर को बाहर से चेक कर लें कि सब कुछ ठीक है, कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हुई है। ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन आपको ये बताना भी उनको है जिन पे आप 100% फेथ करते हो। आजकल क्या होता है, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, तो आपको ऐसे लोगों को नहीं बताना है जिनसे आपको कोई खतरा हो या जो आपके वेल विशर्स ना हो। नंबर 7, आपको घर में जितना भी ज्वेलरी कैश हो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, बिकॉज कोई भी ट्रिप एट रैंडम प्लान नहीं होता है। अगर एट रैंडम प्लान भी होता है तो आप उस ज्वेलरी और कैश को किसी भी सेफ जगह पे रखे जाएं, घर में नहीं छोड़ना है। बिकॉज 90% जो चोरियां हैं वो सबसे ज्यादा ज्वेलरी और कैश की ही घर में होती हैं, और जब हमें पता है हमें बाहर जाना है तो हमें ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि एक बार चीज जानी आसान है और बनना बहुत मुश्किल है। और गोल्ड का रेट तो आप लोगों को पता ही आजकल क्या चल रहा है, और महंगाई तो है ही, तो गोल्ड और कैश को बिल्कुल सेफ जगह पे रख के जाना है, घर में नहीं छोड़ के जाना है। नेक्स्ट, आप जब भी घर से निकले, 90% लोगों की ये आदत होती है हमारी, और होनी भी चाहिए, कि हम भगवान के हाथ जोड़ के जाते हैं कि भगवान जैसा घर हम छोड़ के जा रहे हैं वैसा ही हमें मिले और हमारी ट्रिप बहुत सेफ और जॉयफुल रहे। तो बहुत से लोग इन सब चीजों के साथ दिया बत्ती करके जाते हैं, लाइक दिया जलाना या अगरबत्ती जलाना। तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको जब तक वो दिया और अगरबत्ती बुझ ना जाए तो आपको उसका वेट करना है, आपको उनको जला हुआ पीछे से छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज कई बार इन चीजों के कारण भी घर में आग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आग लगने के चांसेस बढ़ तो जाते ही हैं, और 90% घरों में आग लग भी जाती है सिर्फ एक छोटी सी गलती या लापरवाही की वजह से। और लास्टली, जब भी घर से निकले, दिया जलाएं चाहे ना जलाएं, लेकिन भगवान को जरूर हाथ जोड़ के जाएं कि भगवान हमारा ट्रिप बहुत जॉयफुल रहे, बहुत मस्तीफुल रहे और हमारे घर को सेफ रखिएगा। तो विश्वास मानिए, भगवान आपके घर की रक्षा करेंगे। और इस वीडियो के द्वारा मेरा भी सिर्फ यही उद्देश्य है कि इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रख के जाएं। बाकी देखिए, अनसेफ तो हर जगह है, अनसेफ्टी कहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा घर ज्यादा सेफ रह सकता है वाइल गोइंग ऑन अ ट्रिप, स्पेशली इन विंटर्स, बिकॉज विंटर्स में लोग घरों में ज्यादा पैक रहते हैं। कई बार क्या होता है, बगल वाले घर में चोरी हो रही है, चोर घुस गए, आग लग गई, पानी ओवरफ्लो हो गया, लेकिन ठंड के कारण लोग इतना पैक होते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि हमारे बगल में हो क्या रहा है। तो इन सब सेफ्टी मेजर्स को हमें ध्यान में रख के जाना है। और लास्टली, सबसे जरूरी बात, कोई भी आप एक लाइट बाहर की ऑन करके जाएं और कर्टेंस थोड़े से हटा के जाएं, जिससे बाहर से अगर कोई आपका घर देखता है तो उसे लगे कि घर में शायद कोई है। टोटली घर में अंधेरा करके नहीं जाना चाहिए, एक लाइट जरूर छोड़े। और लाइट खुली छोड़ दी, उसका मतलब ये नहीं कि लाइट हमने ऑन कर दी और सारे कर्टेंस कवर कर दिए। मेरा कहने का मतलब है, लाइट अगर ऑन है और कर्टन थोड़ा हटा होना चाहिए, जिससे बाहर वाले को आपके घर की लोकेशन अगर वो देखता है तो उसे लगे कि लाइट जल रही है तो घर में शायद कोई है। तो ऐसे में भी आपका घर सेफ रह सकता है, सामने वाला 10 बार सोचेगा कि मैं इस घर में घुसूं या ना घुसूं। ये सबसे बहुत जरूरी बात है, पूरे घर में कभी भी अंधेरा करके ना जाएं। तो आई होप आपको मेरे ये सजेशंस अच्छे लगे होंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आप इन जरूर इन सब के बारे में जरूर सोचिएगा और इनको इम्प्लीमेंट करिएगा, आपका घर इन सब चीजों से बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। और जब आप लौटेंगे तो आपका घर जैसा आप छोड़ के गए थे वैसा ही वापस मिलेगा। सो दोस्तों, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। भगवान करे आपका आने वाला साल खुशियों से, शांति से और मस्ती से भरा हो, और साथ ही में हमारे देश में भी चारों तरफ शांति और खुशहाली बनी रहे। सो दोस्तों, वंस अगेन हैप्पी विंटर वेकेशंस, हैप्पी ट्रिप, एंड बी एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ होम फॉर ऑलवेज। तो प्लीज आप इन बातों को ध्यान रखिएगा और जरूर इम्प्लीमेंट करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। 200 सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं लगता है, ना ही वीडियो शेयर करने का और लाइक करने का।
सो दोस्तों मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपके साथ नए साल के अंदर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।